अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज के लेक्चर में हमने कवर करना है। डोमेन एंड रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। भाई डोमेन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए भी क्योंकि हमने जो इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है वो मैंने कंप्लीट करवा दिए। इनइक्वालिटीज सॉल्व करते हुए आपके पास रैशनल इनइक्वालिटीज आई थी, एब्सोल्यूट वाली आई थी, क्वाड्रेटिक आई थी, तो डोमेन निकालने में भाई देखो डोमेन में मसला क्या होता है। रैशनल फंक्शन में मसला होता है डिनोमिनेटर को जीरो रखना होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्क्वायर रूट में मसला होता है, अब स्क्वायर रूट में किस टाइप के फंक्शन आ सकते हैं भाई, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, तरीका मतलब इनइक्वालिटी बनेगी ना कि जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वो इनइक्वालिटी आपने पहले से सॉल्व की हुई है। तो डोमेन में मसला नहीं है, असल जो टॉपिक है वो क्लियर करना है वो रेंज है। रेंज निकालना मुश्किल होता है, हर फंक्शन की रेंज निकालना ईजी नहीं होता। आप शुरू में जो मैं डिस्कस करूंगा वो ऐसे फंक्शन डिस्कस करूंगा जिनकी रेंज आप ग्राफ के जरिए से निकाल सकते हो, आप उनके ग्राफ भी आसानी से ड्रॉ कर सकते हो और आपको आने भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे कि अगर मुश्किल एग्जांपल्स आ जाएं, रेंज निकालना मसला हो, तो हम फिर अल्जेब्रिकली भी रेंज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप आ जाओ डोमेन, हम स्ट्रेट लाइन आई गेस हाँ डिस्कस हुआ ना, स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, बेसिक सी बिल्कुल बात करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। हर किस्म के फंक्शन जो है वो हमने इंशाल्लाह कवर करना है। अलजेब्रिकली और स्क्वायर रूट फंक्शन, रैशनल फंक्शन ज्यादातर तो ये कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह हमारे। फॉर एग्जाम्पल अब आ जाओ, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। अगर आपके पास सबसे पहले एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है वाई इज इक्वल टू 2x-3। आपसे बोला जाए कि भाई आपने इसकी डोमेन और रेंज निकाल ली है, सबसे पहले तो जहन में रखो कि भाई जो भी स्ट्रेट लाइन है, जो भी स्ट्रेट लाइन है अगर तो वो ऑब्लीक है, क्योंकि तीन किस्म के आपको स्ट्रेट लाइन नजर आती है, या तो ऑब्लीक होती है वो, या वो हॉरिजॉन्टल होती है, या वो वर्टिकल होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने मैं ये चीज लिखूं, ठीक है, और आपसे बोलूं कि यार इसकी डोमेन और रेंज निकालो, जो भी ऑब्लिक होती है उसके डोमेन रेंज तो सब रियल नंबर होते हैं भाई। जब आप इसको ड्रॉ करोगे तभी आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आप स्लोप के जरिए से भी ड्रॉ कर सकते हो और वैसे इंटरसेप्ट के स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी ड्रॉ कर सकते हो। बहरहाल अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इसका एक्स इंटरसेप्ट जो है वो है 3/2, मतलब 1.5 कंसीडर कर लो, ये 3/2 है, और इसका जो वाई इंटरसेप्ट आ रहा है वो -3 है, तो तकरीबन यहां पे -3 होगा। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। कहने का मतलब ये, अगर आप ऑब्जर्व करो ग्राफ देख के, तो आपको समझ आ रही है कि डोमेन इसकी रियल नंबर है, मतलब आप यहां पे एक्स, अच्छा तरीका ये कि आप एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में याद रखो, आप यहां पे एक्स की जगह कुछ भी पुट कर दो, सब अलाउड है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। और अगर आप आउटपुट देखो, कुछ भी आउटपुट आ सकता है, पॉजिटिव आउटपुट भी आ सकता है, नेगेटिव आउटपुट भी आ सकता है। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं इसकी डोमेन रेंज मालूम करो, तो डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी इसकी रियल नंबर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किस किस्म की लाइंस हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, तो अगर आप इसकी बात करो, कंसिडर कर लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 0.2 यहां पे है, तो इस किस्म की एक लाइन है, ये किसकी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो डोमेन क्या है इसके अंदर, भाई कुछ भी पुट कर लो आप यहां पे, एक्स की जगह आप कुछ भी पॉजिटिव नंबर पुट कर सकते हो, कुछ भी नेगेटिव पुट कर सकते हो, सब अलाउड है, फर्क नहीं पड़ेगा उसको, अलग बात है, लेकिन पुट आप सब कुछ कर सकते हो। तो इसका मतलब इसकी डोमेन यहां पर क्या होगी, सब रियल नंबर, कुछ भी पुट कर दो। असल बात है कि इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी जस्ट 2, दैट्स इट। रेंज होता है आउटपुट, इसमें आप कुछ भी पुट कर दो, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, दैट्स इट। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज अगर सेट की फॉर्म में आप लिखना चाहो जस्ट ये लिख दोगे 2, दैट्स इट, 2 मिलेगा आपको, ठीक है। और वाई की फॉर्म में लिख सकते हो, तो आप बता दो कि रेंज जो है इसमें वाई जो है वो क्या होगा, जस्ट 2 होगा। तो रेंज यहां पे क्या आ जाएगी, इक्वल का अच्छा नहीं होता, ये लगा देते हैं हम, ठीक है। तो रेंज आपको क्या मिलेगी, मतलब वाई वैल्यू आपको यहां पे जस्ट क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, और कुछ आउटपुट आपको यहां पे नहीं मिलेगा। रेंज इज बेसिकली आउटपुट ना, कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। और बिल्कुल हम बात करते हैं जो वर्टिकल है, देखो जो वर्टिकल लाइन है वो पहली बात फंक्शन ही नहीं है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब वर्टिकल लाइन बनाओगी तो इनफाइनाइट पॉइंट पे क्रॉस करेगी, तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। बिल्कुल अगर आपके पास लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इस तरीके से
थ्री पे पास कर रही होगी। अब सवाल ये है, सवाल क्या है कि इसकी डोमेन रेंज क्या है, तो वही कॉन्सेप्ट आपने यूज करना है कि भाई रेंज तो इसकी कोई भी वाई वैल्यू आप इस लाइन के ऊपर अगर आप जाओ तो आपको कुछ भी वाई मिल सकता है। अगर आप ऐसा ग्राफ बनाओ तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से बात समझ आएगी। आप इस लाइन के ऊपर कहीं अगर x इज इक्वल टू 3 एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, और आप उसको ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो भाई रेंज तो इसकी आपको कुछ भी रियल नंबर मिल सकता है। आप इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट पिक करो, पॉजिटिव वाई वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन अगर आप यहां पर डोमेन की बात करो तो डोमेन जस्ट क्या है, डोमेन जस्ट 3 है, दैट्स इट। आपको और कोई एक्स वैल्यू नहीं मिल सकती। एक्स वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहां पे 3 मिलेगी। इसको अगर आप उस फॉर्म में वाई की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो ना, तो आप इसको इस तरह लिखोगे कि 0y इक्वल टू एक्स माइनस 3, इस तरह लिख सकते हो। अब यहां पे आप एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल आप यहां पे 3 पुट करोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। और वाई की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब y की जगह 2, y की जगह 3, y की जगह 10 कुछ भी पुट कर लो, इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। x माइनस 3 यहां पे 0 के बराबर ही आ रहा होगा। इक्वेशन क्या आती अगर इधर ले आओ, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, ये बात सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन ऐसी कौन सी x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, वो 3 है। आप जस्ट यहां पे 3 पुट करोगे तो 0 इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, वरना नहीं होगी। तो डोमेन 3, रेंज इसकी रियल नंबर। तो बेसिक स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आप आ जाओ क्वाड्रेटिक के ऊपर। तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास लिखा हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी डोमेन रेंज मालूम करनी हो, तो अगर आप लोगों को बच्चों ग्राफ आता है, और आई एम श्योर जरूर आता होगा ग्राफ, तो आप एक एक चीज आसानी से बता सकते हो। आप जैसे इस ग्राफ में देखो डोमेन निकालना तो बड़ा इजी है। अब जितने भी पॉलिनोमियल है उसमें डोमेन सब रियल नंबर है, कोई चीज मसला थोड़ी ना कर रही होती है उनको। तो इसका मतलब डोमेन जो है वो तो सब रियल नंबर है। ग्राफ से भी आपको देखने में लग रहा है पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स सब पे आपका ग्राफ है। रेंज निकालना असल मसला होता है। तो रेंज अगर आपको ग्राफ याद है तो आप रेंज निकाल सकते हो। और वैसे इसकी तो इक्वेशन देख के भी आप बता सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप कुछ भी नंबर पुट कर दो, जब आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब आप वैसे भी देख के बता सकते हो उसकी रेंज या तो पॉजिटिव है और जीरो भी शामिल है उसके अंदर। और ये बात आप ग्राफ से भी देख के बता सकते हो कि जीरो से लेके पॉजिटिव वाई कुछ भी मिल सकता है। तो यहां पे इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इसकी हो जाएगी जीरो से लेके इंफिनिटी, ये इसकी रेंज, ठीक है। अब इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपको बोला जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आपने देखो डोमेन तो मसला नहीं करेगी, डोमेन तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, यहां पे कोई इशू नहीं होगा। मसला किसके अंदर, रेंज है। अब रेंज यहां पे कैसे निकालोगे भाई, एक तो तरीका है कि आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद बेसिकली पैराबोला की इक्वेशन है तो आप पैराबोला का वर्टेक्स निकाल लो। वर्टेक्स निकालने के बहुत से तरीके हैं। सिंपल सा तरीका क्या है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, ये आप मालूम कर लो। बी और ए आपको पता है क्वाड्रेटिक में क्या होता है, वो एक्स वैल्यू आ जाएगी, वो उसको पुट करना वो वाई वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आपके पास वर्टेक्स आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट वर्टेक्स है, तो या तो पैराबोला की शेप इस तरीके से होगी, ठीक है, या पैराबोला की शेप डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा, अगर एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब शेप इसकी इस टाइप की होगी, ठीक है। तो वो बिल्कुल लोएस्ट वैल्यू होगी वाई की, वो और उससे ग्रेटर सब रेंज मानी जाएगी। और अगर उसके साथ नेगेटिव एक्स आ रहा है इसका मतलब वो मैक्सिमम है, बाकी सारी जो आउटपुट है वो उस वैल्यू के नीचे है। तो आप आसानी से रेंज निकाल सकते हो उस तरीके से भी। यह एक तरीका है कि अगर आप इसको ग्राफ से मैनिपुलेट करो तो आप समझ सकते हो, और मुझे आसान तरीका वो लगता है। फॉर एग्जाम्पल, और यहां से कॉन्सेप्ट भी आप सीखोगे, याद रखो ओरिजिनल एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपके सामने है। अब ये जो स्क्वायर के नीचे आपके पास एक्स लिखा है, इस एक्स के अंदर अगर मैं कोई नंबर एड करूंगा या नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा ग्राफ हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रहा होगा, आगे पीछे हो रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इस स्क्वायर के नीचे एक्स की बात कर रहा हूं, अभी ये स्क्वायर के नीचे एक्स की बात कर रहा हूं, अगर इस एक्स के अंदर मैं कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा, नेगेटिव इसके साथ होगा, तो ये ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर मैं कुछ नंबर ऐड करूंगा तो ये ग्राफ लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। तो ओरिजिनली एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, बिल्कुल जो इसका वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर होता है। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कितना राइट की तरफ शिफ्ट होगा, 2 यूनिट। तो कंसिडर कर लो ये 2 है, तो अब आपका ग्राफ इस टाइप का बनेगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा सर। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पे, मैं आपसे पूछूंगा यार इसकी डोमेन बताओ,
डोमेन रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एक्स स्क्वायर हो और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस वो वर्टिकली शिफ्ट ना हो। अभी तो अगर आप ऑब्जर्व करो डोमेन इसकी सब रियल नंबर है, ठीक है, और अगर आप रेंज की बात करो तो रेंज भी वही है जो पहले थी, जीरो से लेके इन्फिनिटी। अगर आप देखो जीरो से लेके अबव तक ये ग्राफ है। अभी जैसे आप ये समझो कि x माइनस टू का ग्राफ होता किस तरीके से, डोमेन रेंज में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ेगा अब कि मिलफर्ड आपके पास आ जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब जरा फर्क समझो, पहले जो इनपुट था ना x, उसके अंदर आप कुछ एड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रहा था। अगर आप एक्स स्क्वायर के अंदर कुछ एड सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो वर्टिकली शिफ्ट होगा, ऊपर नीचे होगा। तो बिलफर्ट एक्स स्क्वायर माइनस टू का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू का मतलब कि जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना, ठीक है, अगर उसके अंदर मैं कुछ नेगेटिव नंबर एड करूंगा तो वो ग्राफ नीचे हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर एड करूंगा तो वो ग्राफ ऊपर हो जाएगा। तो मैंने नेगेटिव नंबर एड किया, इसका मतलब ये ग्राफ टू यूनिट नीचे चला जाएगा। कंसिडर कर लो ये टू है, तो अब आपका ग्राफ इस टाइप का बनेगा, बस ओरिजिन से टू यूनिट आपका नीचे चला गया, ठीक है। अब डोमेन रेंज कैसे निकालोगे, भाई डोमेन तो अभी भी इसकी रियल नंबर है, कुछ भी पुट कर दो, रेंज जो है वो क्या हो जाएगी। अब अगर आप ऑब्जर्व करो जब ये टू यूनिट नीचे जाएगा, ये है माइनस टू, मतलब आपने टू यूनिट नीचे लेके जाना है, तो जीरो से जब टू यूनिट नीचे जाएगा तो वो माइनस टू पे आ गया। वो सिंपल लैंग्वेज में आपने माइनस टू एड किया था ना इसके अंदर, तो ग्राफ आपका माइनस टू से अब स्टार्ट होगा। तो अगर आप मैं बोलूं रेंज बताओ, तो सबसे पहले सबसे लोएस्ट नंबर आपको क्या मिल सकता है, माइनस टू मिल सकता है, और फिर जो बाकी रेंज जो है वो माइनस टू से ग्रेटर है। मतलब अगर आप वाई एक्सिस पे जाओ ना तो माइनस टू से कम आपका ग्राफ कहीं भी नहीं है, माइनस टू या माइनस टू से ऊपर आपका ग्राफ है। तो अब रेंज क्या हो जाएगी, माइनस टू से लेके इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा जी बिलफर्ड, अगर आपके पास आखिरी चीज है इसको डिस्कस करते हैं, अगर आपके पास ये चीज आ जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, नहीं ये तो यार थोड़ा इमेजिनरी हो जाएगा ना, इसको थोड़ा सही करते हैं, इसको हम थ्री कर देते हैं, इसको हम टू कर देते हैं, ठीक है। माना डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इमेजिनरी है, बस वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक्स एक्सिस से, बाकी तो कोई मसला नहीं। बिलफर्ड अगर ये आ रहा है और आपने डोमेन रेंज मालूम करनी है, बट डोमेन अगेन वही बात बताइए, डोमेन तो सब रियल नंबर है, कोई इशू नहीं है। रेंज क्या करनी है, अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप वो पैराबोला वाली टेक्निक यूज करो कि वर्टेक्स निकाल लो ये वाला पॉइंट जो है, सही है, या दूसरी टेक्निक ये कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करो उसके ऊपर और फिर जरा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। मैं दोनों से बता देता हूं, फॉर एग्जाम्पल वर्टेक्स निकाले तो वर्टेक्स यहां पर होता है, ये फॉर्मूला होता है, बी यहां पर क्या है थ्री, ए यहां पर है वन, तो इसका मतलब वर्टेक्स है माइनस थ्री अपॉइंट टू पे। आप फंक्शन के अंदर माइनस थ्री अपॉइंट थ्री अपॉइंट टू पुट करो, फंक्शन में क्या होगा, ये हो जाएगा नाइन अपॉइंट फोर, यह हो जाएगा नाइन अपॉइंट टू प्लस टू, ठीक है, हाँ सही है। उसके बाद आप इसको जरा सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा नाइन, ये हो जाएगा एटीन, ये हो जाएगा एट, तो एट प्लस नाइन सेवनटीन, ये आ रहा है नाइन प्लस एट सेवनटीन माइनस वन अपॉइंट फोर। इसका मतलब वर्टेक्स कहां पे है, माइनस थ्री अपॉइंट टू और माइनस वन अपॉइंट फोर, यहां पे वर्टेक्स है, दैट्स इट। ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, आपको पता है जो पॉइंट है माइनस थ्री का और माइनस टू, वाई वैल्यू भी जरा गौर करो, माइनस वाई अपॉइंट फोर वाई वैल्यू आ रही है, ग्राफ की शेप अपवर्ड है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ये है माइनस वन अपॉइंट फोर, इससे सारी वैल्यूज ऊपर ही होंगी क्योंकि अपवर्ड शेप बन रही है। अगर डाउनवर्ड होती तो क्या होता, माइनस वन अपॉइंट फोर सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है वाई वैल्यू और बाकी सब वैल्यू से नीचे होती है, लेकिन अभी आप ऊपर बन रहा है तो उसका मतलब सिंपल आपने रेंज निकली है, तो रेंज क्या होगी, माइनस वन अपॉन फोर से लेके इनफिनिटी, जैसे लिखोगे आपका सवाल कंप्लीट। और डोमेन तो मैंने बताया यहां पे रियल नंबर होगी। अब एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है कि आप यहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, किस तरीके से, क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अच्छा जी प्लस थ्री एक्स। अब अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो थ्री को आप टू से डिवाइड करो, और मतलब अगर आपके पास थ्री एक्स मौजूद है ना तो आप यहां पे जस्ट क्या करो, अगर इसको हम इस तरह तोड़ भी सकते हैं, यहां पे अगर हम एक्स ऐड कर लें, नहीं नहीं तो आप यहां पे क्या करो, जो एक्स ऐसे कोएफिशिएंट को थ्री से टू से डिवाइड करो, थ्री अपॉइंट टू, थ्री अपॉइंट टू का स्क्वायर एड करवाते हैं, थ्री अपॉइंट टू का स्क्वायर क्या होता है नाइन अपॉइंट फोर, ये प्लस टू अपनी जगह पे और नाइन अपॉइंट फोर को सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा, तो सिंपल लैंग्वेज में ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री अपॉइंट टू का होल स्क्वायर। अगर सॉल्व करो एक्स स्क्वायर फिर हो जाएगा थ्री एक्स प्लस नाइन अपॉइंट फोर, ये तीन टर्म तो कवर हो गए,
टू माइनस आर अपॉन फोर क्या होता है माइनस वन अपॉन फोर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद आपका ये थोड़ा फंक्शन आ रहा है, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करना बड़ा इजी, कैसे? सबसे पहली बात, आपका जो एक्स है उसके अंदर कोई नंबर ऐड हुआ है। मैंने बताया था जब कोई नंबर ऐड होता है तो वो लेफ्ट पे चला जाता है ग्राफ आपका। तो ओरिजिनली आपका वर्टेक्स ओरिजिन पे था लेकिन अब वो लेफ्ट पे चला जाएगा, कितना? 1.5। कंसीडर कर लो ये 1.5 है, मतलब 3/2 है। तो आपका ग्राफ सबसे पहले यहां पे गया, फाइनल अभी नहीं हुआ, मैं इस पहले स्टेप का आंसर बस बता रहा हूं आपको। तो आपका ग्राफ यहां पे क्या होगा, अगर ये -1/4 की टर्म ना होती ना तो ये आपका ग्राफ था। लेकिन अब क्या होगा, पहली चीज को आपने देखा तो आपका ग्राफ लेफ्ट पे चला गया होगा, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये -3/2 होगा, ठीक है। अच्छा जी, 3/2 यूनिट गया ना लेफ्ट की तरफ, तो जिस जगह पे क्या होगा उसके कोऑर्डिनेट मतलब -3/2 होंगे ना। बराबर, और इसके अंदर आपने ऐड किया हुआ -1/4, मतलब ग्राफ को नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। -1/4 कंसीडर कर लो यहां पे है, ये -1/4 है, इसका मतलब आपका ग्राफ थोड़ा नीचे आ जाएगा और इस तरह बनेगा, ये आपका ग्राफ बन गया। तो अब यहां से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपने रेंज निकालनी है ना, तो मिनिमम वैल्यू -1/4 है, -1/4 से ग्रेटर आपको मिलेंगी, ये रेंज हो जाएगी, और डोमेन तो सब इसके रियल नंबर है। तो क्वाड्रेटिक मैं सिर्फ डोमेन रेंज नहीं बता रहा, असल मेरा मकसद था ग्राफ इजी करना, क्योंकि जिस बैकग्राउंड के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं उनको ग्राफ का कुछ आइडिया नहीं होता है इतना। तो मैंने ग्राफ ड्रॉ करना और ग्राफ में जब कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट होती है क्या फर्क हो रहा है वो डिटेल में आप लोगों को पूरा बता रहा हूं मैं। अगर आप क्यूबिक की बात करो तो बच्चों क्यूबिक मैंने बताया था वो आप पॉजिटिव आंसर भी आपको क्यूबिक में मिल सकता है, नेगेटिव आंसर भी मिल सकता है। तो इसी तरह आप क्यूबिक में कुछ भी पुट कर दो, ठीक है। तो क्यूबिक फंक्शन में डोमेन रेंज सब क्या होती है, रियल नंबर ही होती है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें, बेसिक फंक्शन तो आपको पता होने चाहिए, उसके बाद फिर हम बाद में नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो ये बातें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद अगर आप बात करो तो हमारे पास है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की डोमेन रेंज आपने किस तरीके से निकाली है, तो कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल। सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। सब बच्चों को यहां पे ग्राफ पता होगा, मॉड एक्स का ग्राफ ये वी टाइप की बन रही होती है। तो अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो, डोमेन यहां पे कोई भी रियल नंबर, आप कुछ भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, इस फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता है आंसर आपको क्या मिलता है, हमेशा पॉजिटिव मिलता है या जीरो मिलता है। तो उसकी रेंज क्या होगी, रेंज होगी जीरो से लेके इन्फिनिटी। ग्राफ से भी आपको देख के अच्छा अंदाजा हो रहा है। तो यह तो सिंपल मॉड फंक्शन की हमने बात कर ली। अब इसके अंदर अगर थोड़ी वेरिएशन आ जाए, वेरिएशन क्या कि बिल्फर्स अगर आपके पास आ जाए मॉड एक्स -3। मैंने एग्जांपल प्लस थ्री लिखी हुई थी, कोई छुनी है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप किसी फंक्शन में कोई नंबर ऐड या देखो एक तो होता है ना इनपुट में किसी नंबर को ऐड कर रहे हो और एक होता है पूरे फंक्शन में किसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये जो -3 है पूरे फंक्शन के साथ है, ठीक है। तो होता क्या कि आपका ग्राफ ऊपर नीचे होता है। तो अभी आपने क्या किया, आपने नेगेटिव नंबर ऐड किया, इसका मतलब आपका ग्राफ वर्टिकली नीचे चला जाएगा। पहले ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, अब कहां से स्टार्ट होगा, कंसीडर कर लो -3 से। तो अब आपका ग्राफ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, डोमेन तो बच्चों रियल नंबर है, आप इसके अंदर कुछ भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, वो तो मसला नहीं है। लेकिन रेंज अब इसकी क्या हो जाएगी, रेंज इसकी -3 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर आपको मिलेगा -3 और -3 से लेके इन्फिनिटी तक आपको कुछ भी मिल सकता है। ये फर्क पड़ता है जब आप किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करवा दो। अच्छा, अगर आप ऐड करवाते तो ये थोड़ा ऊपर हो जाता, फॉर एग्जांपल आप +3 करते तो ये 3 पे चला जाता, फिर 3 से लेके इन्फिनिटी तक आपको रेंज मिल जाती। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास मेरे पास एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स -1 और मैंने क्या किया है +3 किया है। ये है, अब देखो यहां पे वर्टिकल शेप भी है हॉरिजॉन्टल शेप भी है, तो जरा गौर से समझने, गौर से समझते हैं। सबसे पहले इनपुट में एक्स के साथ किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है, तो जब आप इनपुट में करते हो तो आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होता है। नेगेटिव नंबर किया है आपने ऐड, इसका मतलब राइट पे जाएगा। कंसिडर कर लो ये 1 यूनिट है, तो आपका ग्राफ ये फाइनल नहीं है, इसलिए मैं डॉटेड बना रहा हूं, आपका ग्राफ इस टाइप का होगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने उसके अंदर +3 ऐड किया, इसका मतलब आपका ग्राफ ऊपर चला जाएगा। कंसीडर कर लो अगर ये 3 है तो अब आपका ग्राफ सेम इसी पॉइंट से ऊपर से स्टार्ट होगा, यू बनेगा, ठीक है। तो अब अगर आपने इसकी डोमेन बतानी है तो डोमेन क्या होगी, ऑब्वियसली सब रियल नंबर, बस रेंज क्या होगी यहां पे, अब 3 से स्टार्ट होगा, 3 से लेके इंफिनिटी। इस तरीके से आप
इन फंक्शंस की रेंज, देखो डोमेन निकालना मसला नहीं है, रेंज आप आसानी से निकाल लोगे इसमें। अच्छा आपको चेंजिंग भी आ सकती है, जरा ऑब्जर्व करो इसमें। सबसे पहली बात आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर आपके पास आ जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स तो क्या फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि अब जो वी है वो नीचे बनेगा यू करके, दैट्स इट। अगर मैं आपको बोलूं डोमेन बताओ, डोमेन सब रियल नंबर, रेंज बताओ, रेंज क्या है, अब रेंज इसकी होगी माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो, मतलब नेगेटिव नंबर मिलेंगे अप टू जीरो तक, पॉजिटिव नंबर इसमें नहीं मिल सकता क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर हर दफा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस मॉड एक्स का भी आपको डोमेन रेंज पता होनी चाहिए। अच्छा बिलफर्ज अगर यहां पे माइनस एक्स आ जाए ना, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, ग्राफ एज इट इज वैसे ही रहता है आपका। क्यों? क्योंकि आपको पता है मॉड की प्रॉपर्टी है कि मॉड माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एक ही बात होती है। तो जो मॉड एक्स का ग्राफ है वही मॉड माइनस एक्स का ग्राफ है, तो कोई चेंजिंग इसके अंदर आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी अब बिलफर्ज आपके पास सवाल आ जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये चीज आ जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर माइनस एक्स माइनस टू, और आपको बोला जाए कि रेंज निकालो, डोमेन तो सब रियल नंबर है, उसको तो मसला नहीं, रेंज निकालनी है आपको, तो आप क्या करोगे? सबसे पहली बात अगर आप फंक्शन को देखो, फंक्शन के साथ नेगेटिव है, तो जब मॉड के साथ नेगेटिव है इसका मतलब वो नीचे बनेगा, तो सबसे पहली शेप क्या होगी, अगर वो नीचे बन रहा है तो इस तरह बनेगा, लेकिन उसके इनपुट में मैंने किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा राइट की तरफ, तो कंसिडर कर लो अगर ये टू है तो यहां पे आ जाएगा, ये जस्ट मैंने इस चीज को ड्रॉ किया अभी, माइनस मॉड एक्स माइनस टू को ड्रॉ किया इस वाली में, लेकिन ये समझ लो इसको इस तरह भी लिख सकता हूं ना, माइनस मॉड एक्स माइनस टू प्लस फोर, ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया ये वाला जो है। अब इसके अंदर मैंने किसी नंबर को ऐड किया है तो उसका मतलब वर्टिकली शिफ्ट करना पड़ेगा, कितना यूनिट, फोर यूनिट, तो कंसिडर कर लो ये फोर है, अब आपका ग्राफ यहां पर चला जाएगा और इस टाइप का बनेगा, ये एक्चुअल इसका ग्राफ है, जो टू था टू के एग्जैक्ट आपने ऊपर लेके जाना है फोर पे, क्योंकि प्लस फोर है तो वर्टिकली शिफ्ट हो गया। अब मैं अगर आपको बोलूं डोमेन निकालो, डोमेन सब रियल नंबर है, रेंज की बात की जाएगी तो फोर से नीचे नीचे, तो उसका मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके फोर, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट। उसके बाद अगर आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए, ये भी बहुत मशहूर फंक्शन है, इनको भी डील करना आपको आना चाहिए। सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि स्क्वायर रूट का ग्राफ कैसे होता है, फिर आगे बेसिक बात करते हैं। तो ये आपको पता है ये स्क्वायर रूट का ग्राफ होता है, अगर हम बात करें डोमेन रियल नंबर है और सॉरी डोमेन जो है वो पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव भी आप पुट कर सकते हो, मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी, और रेंज क्या होती है, रेंज भी पॉजिटिव ही होती है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक कोई आंसर आपके पास आ सकता है। तो ये तो सिंपल बेसिक मॉड फंक्शन हो गया। अब वेरिएशन लाते हैं सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू, तो इनपुट के अंदर आपने क्या किया, किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करवाया, आपका ग्राफ राइट पे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लो टू है, अब आपका ग्राफ इस तरह बनेगा, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं कि यार इसमें डोमेन क्या होगी, अच्छा देखो डोमेन निकालने का तरीका तो बड़ा ईजी है, एक तो ग्राफ के जरिए से भी आप देख सकते हो कि आपका एक्स एक्सिस टू से स्टार्ट हुआ है, मतलब टू से ग्रेटर ही कुछ पुट करना है, टू से इस तरफ आपका ग्राफ नहीं है, तो ग्राफ से भी आप देख सकते हो कि डोमेन इसकी टू से ग्रेटर ही है, और वैसे भी इसकी डोमेन निकाल सकते हो किसी भी स्क्वायर रूट फंक्शन की, अगर आपने डोमेन निकालनी है तो जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है, तो इसे सॉल्व करो, यहां से भी आपको समझ आएगी कि डोमेन क्या होगी, ग्रेटर देन टू या इक्वल टू टू। तो डोमेन तो आप दोनों तरीके से मालूम कर सकते हो, दोनों तरीके ही आप लोगों को आते हैं, ठीक है। और रेंज की बात करें, रेंज अभी भी इसकी वही रहेगी जीरो से लेके इन्फिनिटी, रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको जीरो मिल सकता है वाई वैल्यू में और पॉजिटिव कुछ भी मिल सकता है। अच्छा बिलफर्ज अगर आपके पास ये सिचुएशन आ जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस फोर, ये चीज आपके पास आ जाए, ठीक है, अब क्या करना है आपने। अच्छा इसको क्या फर्क पड़ता है, पहले मैं वेरिएशन थोड़ी देख ले बता देता हूं आप लोगों को। बिलफर्ज ये ग्राफ होता है सिंपल स्क्वायर रूट एक्स का, अगर मैं आपको बोलूं माइनस स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ क्या होता है, तो ये ग्राफ हो जाता है माइनस स्क्वायर रूट एक्स का, भाई सिंपल यहां से स्टार्ट करना है, यहां से लेके यहां तक माइनस रूट एक्स का, अगर आपको बोला जाए रूट एक्स का ग्राफ तो रूट एक्स का होता है यहां से लेके यहां तक। बिल्कुल अगर आपको बोला जाए स्क्वायर रूट माइनस एक्स का, तो अब वो शिफ्ट हो जाता है यहां पर इस तरीके से, तो ये ग्राफ होता है माइनस स्क्वायर रूट माइनस एक्स का। उसकी वजह यह है
नहीं, ये जस्ट है स्क्वायर रूट माइनस एक्स का। उसकी वजह ये है कि जो रूट एक्स का होता है ये आपका एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है, लेकिन जो स्क्वायर रूट माइनस एक्स है ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप एक्स की जगह पॉजिटिव पुट करोगे तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब आपको एक्स की जगह कुछ नेगेटिव पुट करना पड़ता है, तभी इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेम ग्राफ है, ये थोड़ा ज्यादा उठ गया है, बिल्कुल सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा, सेम ही बनेगा बिल्कुल। बस फर्क ये कि इस तरफ इसकी शेप थी, इसकी शेप इस तरफ होगी, बस ये ग्राफ होगा स्क्वायर रूट माइनस एक्स का। और फिर आखिरी बात करते हैं, अगर आपको बोला जाए कि स्क्वायर रूट माइनस एक्स का भी अगर आप माइनस दो तो फिर उसका ग्राफ ही बनेगा। ये वाला माइनस इसको नीचे कर रहा है और ये अंदर वाला माइनस वही जो मैंने बताया था कि इंपैक्ट पूरा पड़ रहा होगा। तो ये चार बेसिक कर्व अगर आपको पता है तो जो मुश्किल वाले हैं वो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब जैसे इसकी बात करते हैं, सबसे पहली बात नेगेटिव आया है, इसका मतलब नीचे बनेगा पहली बात। तो बेसिक अगर बात करें माइनस स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ इस तरह बनता है, लेकिन उसके इनपुट में मैंने कोई नंबर ऐड किया हुआ है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रहा होगा। कितना? 4, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट होगा। कंसिडर कर लो ये है माइनस 4, तो अब आपका ये ग्राफ होगा। ये जस्ट मैंने इस चीज का ग्राफ बनाया है, ये जो ग्राफ बना ना जस्ट माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 इसका ग्राफ बना है, ठीक है। अब उसके अंदर मैं नंबर ऐड किया हुआ है 2, इसका मतलब वर्टिकली शिफ्ट होगा अप। कंसीडर कर लो ये जो है ये 2 है, इसका मतलब ये यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट करके एग्जैक्टली आप इस तरह नीचे लेके जाओगे। तो अगर आप ऑब्जर्व करें फाइनल ग्राफ है, इसकी अगर डोमेन देखें, अब देखो डोमेन निकालना तो बड़ा मसला नहीं है, वही बात है एक्स प्लस 4 को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखो तो एक्स की वैल्यू माइनस 4 आएगी, मतलब माइनस 4 से ग्रेटर होना चाहिए। ये ग्राफ से भी आपको पता है कि आपका ग्राफ माइनस 4 से ग्रेटर वाले हिस्से में बना हुआ है। तो डोमेन तो बड़ी इजी है, माइनस 4 से लेके इन्फिनिटी, वो तो वैसे भी निकाल सकते हो ग्राफ से भी, लेकिन रेंज ग्राफ से निकालोगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अलजेब्रिकली भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ग्राफ को जरा डील करना भी आना चाहिए आपको। तो रेंज अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करो, माइनस 2 से नीचे नीचे ही है, आप अगर आप माइनस 2 से नीचे है तो आप रेंज क्या लिख सकते हो, माइनस 2 से लेके, नहीं उल्टा हो जाएगा, आप ये कह सकते हो कि माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 2 तक, दैट्स इट, माइनस 2 से ऊपर नहीं जाना आपने। तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 2, जिसमें माइनस 2 शामिल है, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। कोई और वेरिएशन है मेरे पास? अच्छा जी, माइनस एक्स प्लस 2, नहीं ये आखिरी वाला करवा देता हूं। ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट माइनस एक्स माइनस 2, माइनस ही माइनस हर जगह आ रहे हैं। अब इसको ड्रॉ करने का तरीका, एक तो इसके डोमेन निकालने का आसान तरीका है, माइनस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2, सिंपल सी बात है, माइनस 2 से कम कम या माइनस 2 के बराबर। ये काम तो बच्चों हम कर सकते हैं, लेकिन असल मकसद है ग्राफ समझाना, थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये है स्क्वायर रूट माइनस एक्स, बेसिक सी बात करते हैं, स्क्वायर रूट माइनस एक्स को किस तरह ड्रॉ करते हो, ये होता है स्क्वायर रूट माइनस एक्स बेसिक। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, जब आप एक्स के अंदर कोई नेगेटिव नंबर ऐड किया है तो राइट की तरफ जाता है, लेकिन अगर आप माइनस एक्स में कुछ नेगेटिव नंबर ऐड करोगे ना तो वह उल्टा हो जाएगा, वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। मतलब एक्स के अंदर कुछ नेगेटिव नंबर ऐड करोगे तो राइट की तरफ जाएगा, लेकिन माइनस एक्स के अंदर कुछ नेगेटिव नंबर पुट करोगे तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस एक्स का ग्राफ है, इसके अंदर मैंने नेगेटिव नंबर ऐड किया है, तो अब इसको हम लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। कंसीडर कर लो ये माइनस 2 है, तो अब आपका ग्राफ यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का इंपैक्ट क्या होता है, ये ग्राफ नीचे बन जाया करता था, तो अब ये ग्राफ इस टाइप का नीचे बन जाएगा। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, माइनस 2 से कम कम सब इसकी डोमेन है, तो डोमेन यहां पे क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 2, जिसमें माइनस 2 शामिल है, ठीक है। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, माइनस 2 से कम, सॉरी 0 से कम कम, अगर आप यहां पे रेंज की बात करो तो आपको मैक्सिमम 0 मिल सकता है, ठीक है, वरना आपको 0 से कम कम, क्योंकि वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है ना, सॉरी एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वाई वैल्यू 0 होगी वहां पे, तो 0 से नीचे नीचे आपको मिलेगा। जैसे यहां पे आपको 2 से कम कम मिल रहा था, नहीं एक सेकेंड, ये ग्राफ है तो मैंने यहां पे 2 लिखना चाहिए था, ये माइनस 2 मैंने क्यों लिखा है, और यहां पे चेक कर लेते हैं। हाँ जैसे ये 0 से लेके इन्फिनिटी था, बिल्कुल ठीक है, ये इस तरह इसकी जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक होगी, माइनस 2 तक नहीं होगी। अच्छा तो ये ग्राफ बन गया। तो हमने स्क्वायर रूट फंक्शन को देख लिया किस तरीके से प्लॉट करना है, और डोमेन में सब चीजें हमने इससे कंफर्म कर ली है। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट भी होता है कि विलफर्ज अगर आपने एक्स के फंक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन है,
तो फर्क ये होगा कि अब ग्राफ अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर किस तरह बनता है, तो टू एक्स स्क्वायर का इस टाइप का बन जाएगा, थोड़ा समझ लो थोड़ा पिचक जाएगा। इसी तरह अगर फोर एक्स स्क्वायर होगा, फोर एक्स स्क्वायर का और हो जाएगा। तो इसी नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना फंक्शन को, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। बहरहाल खैर, अब जो मैं आप लोगों को टॉपिक करवाने लगा हूं वो ये है कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको ड्रॉ करना आपके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल होता है। तो रेंज डोमेन तो निकालने का तरीका आप लोगों को पता है। देखो डोमेन मसला रैशनल फंक्शन के अंदर होता है। रैशनल फंक्शन के अंदर डोमेन कैसे निकालते हो, डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर रखो और देखो कौन सी वैल्यू मसला कर रही है। जो वैल्यू मसला कर रही है उसको आप निकाल दो, तो ये आपके पास डोमेन आ जाएगी फंक्शन की। अगर आपको स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन निकालनी है, मसला रैशनल स्क्वायर रूट कर रहे होते हैं ना, स्क्वायर रूट की अगर आपको डोमेन निकालनी है या कोई भी इवन रूट है, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, तो आप क्या करते हो, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो रखते हो और आप उसकी डोमेन निकाल लेते हो, ठीक है। और बिलफर्ज अगर रैशनल और स्क्वायर रूट मिक्स हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंडीशन है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू अपॉन स्क्वायर रूट एक्स माइनस फोर, फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के अंदर मुश्किल सी एक्सप्रेशन भी आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर को ग्रेटर देन जीरो रखोगे। सॉल्व किस तरह करना है, मैंने इनइक्वालिटीज में बताया हुआ था कि इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करना है। तो बस इस चीज को आप जब ग्रेटर देन जीरो रखोगे ना, तो इनइक्वालिटी बनेगी, वो तो आप लोगों को सॉल्व करना आता है। तो डोमेन वाले टॉपिक तो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवाए हैं, वो आपको मसला नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें फर्क ही पड़ेगा, नॉर्मली स्क्वायर रूट के अंदर ना आप पॉजिटिव और जीरो को अलाउ करते हो, मतलब आप नॉर्मली स्क्वायर रूट के जो अंदर लिखा है ना उसको ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो रख रहे होते हो, ठीक है। लेकिन जब स्क्वायर रूट फंक्शन डिनोमिनेटर में आ जाए, ये रैशनल तो नहीं कराया जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट अगर ये कंबाइन हो जाए और आपको डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नजर आ रहे हैं, तो आप इसको इक्वल टू जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि ये चीज अगर इक्वल टू जीरो होगी तो फ्रैक्शन आपकी अनडिफाइन हो जाएगी। तो फिर आपको इस चीज का ख्याल रखना है। फिर ग्रेटर देन जीरो आपको पता है, फोर से ग्रेटर आप कुछ भी पुट कर दो, वो इस फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। तो डोमेन अगर आपने फंक्शन की निकालनी है, तो ग्राफ भी मैंने मेथड बता दिया, बाकी आप लोग खुद पता होना चाहिए। रैशनल और स्क्वायर रूट फंक्शन मेनली आपके पास आते हैं, तो रैशनल में मसला क्या है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, जो नंबर जीरो कर रहे हैं उसको आप डोमेन से निकाल दो। और रैशनल में क्या, सॉरी स्क्वायर रूट में क्या मसला है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो आप उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रखो। फिर जो इनइक्वालिटी बनेगी उसको सॉल्व करना, ऑलरेडी मैंने बताया था किस तरह सॉल्व करना है। और तीसरा ये हो सकता है कंबाइन हो, तो मैंने बता दिया, बस इक्वल टू वाली शर्त आप हटा देना, और अगर ये चीज ऊपर आए तो फिर तो मसला नहीं है, फिर तो इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब जो मैं आपको मेथड बताने लगा वो ऐसे फंक्शन है कि जिनको आपको नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ करना नहीं आता और उनकी आपको रेंज निकालनी है। अब रेंज या तो ग्राफ से आती है या अलजेब्रिकली आप सॉल्व करो तभी आएगी। तो ग्राफ अगर आपको नहीं आता तो अलजेब्रिकली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, लेकिन थोड़ा चेंजिंग करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। अब इसको बिलफर्ज अगर आपको ग्राफ पर ड्रॉ करना नहीं आता, और आगे भी मैं थोड़े एग्जाम्पल्स दूंगा, तो आपने क्या करना है भाई, आपने सिंपल एक काम करना है कि आपने इसका, क्योंकि आपको रेंज निकालनी है ना, इसकी आपको रेंज निकालनी है, तो जो इसकी रेंज है, रेंज ऑफ एफ, ये बराबर होती है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो मसला हल, अगर आपको इसकी रेंज निकालनी है तो आप बेसिकली इनवर्स की डोमेन निकाल लो, इसकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहां पे क्या करो, आप सबसे पहले इनवर्स निकालो, कैसे निकालते हैं, इंटरचेंज करो, ठीक है। अब वाई के लिए आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले स्क्वायरिंग करो, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। इनवर्स निकालना एक और इजी तरीका भी होता है, लेकिन ये मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉलो करवाया है, दो तीन स्टेप थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं इसके अंदर, लेकिन आप देख लेते हो उससे। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, ये आपके पास इनवर्स आ गया, तो जो डोमेन है ना इनवर्स की, वो रेंज बन जाएगी फंक्शन की। तो आप जरा इसकी डोमेन निकालो। अब इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे भाई, डोमेन मतलब होता है एक्स वैल्यू पुट करना। आपने कुछ ऐसी एक्स वैल्यू पुट करनी है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर जीरो ना, सॉरी नेगेटिव ना आ रहा हो, तो आप क्या करो, फोर माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रखो, ये हो जाएगा फोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह कर लेते हैं। अब जब वैल्यू निकालोगे, तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे, तो ये हो जाएगा मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टू, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, माइनस टू। अब ये मैंने इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए आप लोगों को बताया मैं क्या मतलब होते हैं इनके, तो डायरेक्ट आप इस तरह सॉल्व कर लो, ये आपके पास डोमेन आ जाएगी। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स आपके पास क्या आई है, माइनस टू से लेके टू, तो डोमेन आपके पास इनवर्स की आ गई है, और ये बराबर हो जाएगी रेंज ऑफ एफ के। लाइफ इतनी इजी नहीं है, क्यों,
भाई देखो मैंने पहले भी बताया था इनवर्स के अंदर भी के मसले क्रिएट होते हैं जब आप स्क्वायरिंग कर रहे होते हो तो इश्यूज आ जाते हैं। तो आपने यहां पे क्या करना है, आपने देखना है कि जो इनवर्स की डोमेन आई है क्या वो वाकई रेंज है फंक्शन की, थोड़ा चेक करके देख लो। ये जो डोमेन है इनवर्स की, आप ही कहते हो कि रेंज फंक्शन की क्या है, फंक्शन की रेंज है -2 से -2। रेंज का जो डोमेन इसकी है वो फंक्शन की रेंज है, यही नॉर्मली हम पढ़ते हैं ना। तो आप जरा चेक करके देख लो क्या रेंज का मतलब आउटपुट होता है, मतलब वाई वैल्यू, क्या वाई वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या? भैया स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, इसमें वाई नेगेटिव तो नहीं आ सकता। ये जो एफ ऑफ एक्स है, जो वाई है, ये कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब ये जो -2 से -0 तक है इसको आपको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। ये तो इसने थोड़ा तो आपको गाइडेंस दे दी, उसके बाद आप जरा ओरिजिनल फंक्शन को भी तो देखो ना, क्या नेगेटिव उसके अंदर आ सकता है? नेगेटिव तो नहीं आ सकता। इसका मतलब इसमें से जो नेगेटिव वाला हिस्सा है ना वो आपको निकालना पड़ेगा। तो इस वाले हिस्से को हम निकाल देंगे, पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा 0 से -2। ये हो जाएगी रेंज इस फंक्शन की। तो इस तरीके से अगर आपको बिलफर्स ग्राफ नहीं आता तो आप इस तरह थोड़ा इनवर्स निकाल के आगे पीछे देख वेख के आप इस तरह रेंज निकाल लेते हो। और डोमेन तो काफी इजी थी, डोमेन आप जस्ट 4 - x² को रखो ग्रेटर देन 0, ये क्या हो जाएगा, निकाले थे ना यहां पर डोमेन होगी -2 से -2, ये इसकी डोमेन हो गई और ये इसकी रेंज हो गई। ये तरीका होगा। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि बातें और क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, बिलफर्स आपके पास हो y=1/√4 - x², ये चीज अगर आपके पास लिखी हुई है। तो बिलफर्स अगर आपको डोमेन निकालनी है तो डोमेन आप किस तरीके से निकालोगे? आप कहोगे भाई 4 - x² ≥ 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 4 > x², अगेन वही काम करोगे, x² < 4 > x = 2, और फिर वही बात है -2 और 2 के दरमियान। तो डोमेन क्या आती है कि -2 से -2, ये डोमेन है। तो डोमेन निकालना तो काफी इजी होता है, आसानी से निकाल सकते हो। असल बात है इसकी रेंज कैसे निकालेंगे। अब ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए थोड़ी मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, हमें नहीं पता इसके आउटपुट क्या क्या आ सकते हैं। अब आप या तो सारी एक्स वैल्यूज पुट करो और देखो क्या क्या आउटपुट आ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा ना। तो हम वैसे कैसे निकालेंगे, आप जैसे इसका इनवर्स निकालो। कैसे? सबसे पहले इंटरचेंज करो एक्स और वाई को, ठीक है। अब वाई के लिए सॉल्व करो, इसको हम करते हैं x² मतलब स्क्वायरिंग कर रहे हैं, इसका रूट हट जाएगा, इसको उधर ले आते हैं और उसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा y² = 4 - 1/x². सॉल्व करो 4x² - 1/x² और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? +√4x² - 1, और इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो ये x हो जाएगा। ये आपके पास इनवर्स आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इनवर्स की डोमेन निकालनी है। सबसे पहली बात, 0 के बराबर नहीं हो सकती। जब हम इनवर्स की डोमेन निकाल लेना तो वो 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, वो तो डोमेन में शामिल नहीं है। पहली तो ये बात है। दूसरी बात, 4x² - 1 > 0 हो सकता है क्योंकि नेगेटिव तो नहीं हो सकता। सॉल्व करते हैं इसको, हो जाएगा 4x² > 1 > 1, ये वाली सिचुएशन, मॉड एक्स ये हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें इसका मतलब क्या है कि x या तो ग्रेटर होगा 1/2 से या लेस होगा -1/2 से। अब बैक वक्त आपने इन सब बातों को देखना है कि इसका मतलब क्या बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर पे इसको जरा ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली बात, 0 नहीं आ सकता, 1/2 से ग्रेटर मतलब 1/2 से ग्रेटर सही है, अच्छा जी, और -1/2 से कम मतलब ये वाला रीजन है। तो ऑलरेडी इसमें 0 नहीं आ रहा, मतलब ये जो हमें सॉल्यूशन मिला है ना इसमें ऑलरेडी 0 मौजूद नहीं है। कहने का मतलब 1/2 से ग्रेटर आप कुछ पुट कर सकते हो, क्योंकि 1/2 से कम कुछ पुट करोगे ना तो न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, मसला हो जाएगा, और 0 तो वैसे भी इसके अंदर नहीं आ रहा। इसका मतलब 1/2 और -1/2 के दरमियान आप कुछ भी पुट नहीं कर सकते। हाँ, 1/2 और -1/2 पुट कर सकते हो, या 1/2 से ग्रेटर या -1/2 से कम। ये है डोमेन। तो उसका मतलब अगर ये डोमेन है इसकी तो ये क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी इस वाले फंक्शन की। तो आप लिखो रेंज क्या है इसकी, रेंज वाई वैल्यू होती है ना, या तो 1/2 से ग्रेटर या -1/2 से कम। आप देखो क्या ये बात बिल्कुल ठीक है, जरा ऑब्जर्व करके देख लेते हैं। भाई ये जो फंक्शन है y, अगर आप ऑब्जर्व करो इसके अंदर स्क्वायर रूट आ रहा है, क्या y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं, y कैसे नेगेटिव हो सकता है भाई, जब स्क्वायर रूट वाली टर्म पॉजिटिव होगी तो 1/पॉजिटिव
पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब वाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये जो वाला पार्ट है ये आपको हटाना पड़ेगा। लेस देन माइनस अपॉन टू का मतलब नेगेटिव, वाई नेगेटिव नहीं हो सकता, ये आपको हटाना पड़ेगा। तो पीछे क्या बचेगा ये, इसका मतलब यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, 1/2, मतलब 1/2 से ग्रेटर ही आपको यहाँ पे आंसर मिलेंगे। इसी तरह एक रैशनल फॉर्म ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू और 3 - x। अब अगेन रैशनल का अगर आपको याद हो तो ग्राफ काफी मुश्किल होता है, थोड़ा मसले हो रहे होते हैं, एसिम्प्टोट्स भी आ रहे होते हैं। बर तो डोमेन अगर आप बात करो, डोमेन तो बड़ी इजी है बच्चों, सब रियल नंबर है, रियल नंबर में से आप बस किसको निकाल दो, 3 को निकाल दो, 3 मसला करेगा। तो डोमेन तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, इसको इंटरवल नोटेशन में भी हम लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके 3, 3 से लेके इंफिनिटी, 3 दोनों में शामिल नहीं होगा, दरमियान में यूनियन, ये तो वैसे भी लिख सकते हैं। असल बात है रेंज यहां पे क्या होगी, तो रेंज निकालने के लिए वही इनवर्स आप निकालो, आपको नहीं पता यहां पे क्या क्या आउटपुट आ सकता है, तो आप जरा इनवर्स निकालो यहां पे। सबसे पहले इसको हम वाई लिख लेते हैं, ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए इंटरचेंज करना पड़ता है, तो हम जरा एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। अब वाई के लिए सॉल्व करना है, 3 - y को उधर ले आओ, ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 3x - xy, ये हो जाएगा y - 2, अच्छा जी y को अलग करना है ना, तो -2 को उधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स वाई को उधर ले जाओ, आप जब इसमें से y कॉमन लोगे तो x+1 बच जाएगा, x+1 y, तो सॉल्व करो, y की वैल्यू आ रही होगी 3x + 2x + 1, ये आपके पास क्या आया है, ये आपके पास इनवर्स आया, तो इनवर्स की डोमेन निकाल लो, वो हमारे फंक्शन की रेंज बन जाएगी। अगर आप इनवर्स की डोमेन निकालो तो इनवर्स की डोमेन में सिर्फ -1 मसला कर रहा है, तो रियल नंबर में से आप -1 को निकाल दो, ये बेसिकली आपके पास डोमेन आ रही है इनवर्स की, तो ये क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी हमारे फंक्शन की, तो हमारे फंक्शन की रेंज क्या है, रियल नंबर में से -1 हटा दो। अब जरा फंक्शन को देखो, फंक्शन में ये बात बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, तो ऐसा तो नहीं कि -1 को हटाने का मतलब जो हमारी रेंज है उसमें पॉजिटिव भी नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, सिर्फ -1 को हटा लो ना, बाकी तो पॉजिटिव नेगेटिव सब इंक्लूड है, तो क्या इसमें पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं सारे, बिल्कुल आ सकते हैं पॉजिटिव, कैसे, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे अगर इसको हम 2.5 पुट करता हूं, मैं जब मैं 2.5 पुट करूंगा ऊपर पॉजिटिव, नीचे 2.5 पुट करूंगा नीचे पॉजिटिव, तो 3 - 2.5 पॉजिटिव होता है, 2.5 - 2 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर यहां पे मिल रहे होंगे आपको, ठीक है। इसी तरह अगर आप नेगेटिव नंबर की बात करो तो नेगेटिव नंबर मेरा फॉर एग्जाम्पल ऊपर 10 पुट कर दूं और नीचे 10 पुट कर दूं, आपको नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है।